नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। चलिए रुक करते हैं समाचार की ओर। भाजपा बीकानेर देहात महिला मोर्चा की जिला प्रभारी ने मंडल स्तर पर ली बैठक। केंद्र सरकार की मोदी सरकार जन उपयोगी योजनाओं के घर घर पत्रक वितरण कर योजनाओं की दी जानकारी। बीकानेर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा बीकानेर जिला देहात के मंडल अध्यक्षों की बैठक हुई। भाजपा मीडिया प्रभारी देवीलाल मेघवाल ने बताया, मंडल स्तर पर मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा देहात जिला महामंत्री विमला उपाध्याय की व राजस्थान भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व बीकानेर देहात जिला प्रभारी डॉक्टर शर्मिला सोनी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। आज बीकानेर देहात में पलाना देशनोक नोखा मंडलों पर मंडल अध्यक्ष अध्यक्षता मंडल में बैठक हुई, जिसमें मंडल की सक्रिय महिलाओं की सूची तैयार करके आसपास की जागरूक महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से जोड़ने, केंद्र की महिलाओं की योजनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही मोदी सरकार के 8 साल बेमिसाल के अंतर्गत मोदी सरकार की योजनाओं व उनसे आमजन को होने वाले फायदों के बारे में बताया गया। डॉक्टर सोनी ने संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों व प्रकल्पों के बारे में चर्चा करते हुए बीकानेर देहात मंडल के सक्रिय पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर सोनी के बीकानेर पधारने पर बीकानेर देहात जिला महामंत्री श्रीमती विमला उपाध्याय के नेतृत्व में मंडल की बहनों द्वारा डॉक्टर सोनी को भारत माता की तस्वीरें देकर दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। देशनोक अध्यक्ष कांता देवी जीनगर, पलाना अध्यक्ष श्रीमती रुकवा देवी मेघवाल, नोखा शहर अध्यक्ष श्रीमती रेखा तिवाड़ी, देहात अध्यक्ष लक्ष्मी नाई, मंत्री आरती संचेती, बीकानेर मंडल की कमलजीत कौर, निर्मला भाटी, सरस्वती भार्गव, संतोष राजपूत, उमा सोलंकी सहित बीकानेर देहात मंडल की विभिन्न पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। आवाज़ न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से चीफ संजय कड़वा की खास रिपोर्ट।